हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 2.16 और 2.17 सॉल्व करेंगे। ओके, 2.16, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट और द एटॉमिक स्केल इज नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग and it is denoted by this symbol, 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? बच्चों, हमें क्या information दी गई है? हमें ऐसा दिया गया है, The unit of length is convenient on the atomic scale. बच्चों, हम जब atom की बात करते हैं या तो subatomic particle की बात करते हैं तो उसकी size बहुत कम होती है। okay? तो हम meter, centimeter, millimeter जैसे unit use नहीं कर सकते। तो बच्चों, हम atomic scale में एक unit use करते हैं, उसका नाम है angstrom। और 1 angstrom कितना होता है? 10 power minus 10 meter. दूसरी हमारे पास एक information है, the size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. बच्चों, hydrogen atom की radius हमें दी गई है 0.5 angstrom. और हमें बोला गया है, what is the total atomic volume in meter cube? हमें meter cube में find करना है, of a mole of hydrogen atom. 1 मोल हाइड्रोजन एटम का टोटल मास कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो पहले हम लिख लेते हैं। ओके, सॉरी, चलो पहले हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10। ओके, नाउ द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलो हम इसको मीटर में ट्रांसफर करते हैं, सो वी कैन राइट 0.5। बच्चों याद रखना, 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. So 5 angstrom is equal to 0.5 angstrom is equal to 0.5 multiplied by 10 power minus 10 meter. Chal, ab hume find karna hai, what is the total atomic volume? Bacho, hume 1 mole hydrogen atom ka volume find karna hai. तो पहले हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है उसका शेप कैसा होगा। तो बच्चों, हम जो एटम होते हैं उसका जो शेप होता है वो हम स्फीयर कंसीडर करते हैं। ओके, वो स्फीयर कैसा होता है? सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। बच्चों, पहले क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं। हमें 1 हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम पता चल गया, हमने फाइंड कर लिया, तो उसको हम 1 मोल में जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मोल हाइड्रोजन एटम का टोटल कितना वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, दैट इज V इज इक्वल टू, चलो बच्चों अब ध्यान में रखो, हाइड्रोजन एटम का शेप कैसा होगा, स्फीयर जैसा। तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम मैक्स में एक फार्मूला यूज करते हैं, वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 4/3 pi r cube. चलो, so 4/3 as it is, pi की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.14,
multiplied by radius of hydrogen atom, we can write 0.5 multiplied by 10 power minus 10 और क्यूब। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा 5.233 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 मीटर क्यूब। ओके बच्चों ध्यान में रखना, हमें एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना मिला, 5.2 मल्टीप्लाई 5.233 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 मीटर क्यूब। ओके बहुत कम मिला, चलो इसका हॉल क्यूब बच्चों ध्यान में रखना, इसका हॉल क्यूब होगा पूरे का क्यूब। अच्छा ये क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम मिला। अब हमें पता लगाना है कि एक मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा। तो पहले ये पता होना चाहिए कि वन मोल सब्सटेंस में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, वन मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। सो वी कैन राइट इन वन मोल हाइड्रोजन, इन वन मोल हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट is equal to, यहाँ लिख सकते हैं is equal to Na, what is Na, Avogadro number। बच्चों याद रखना कोई भी सब्सटेंस का एक मोल वो कितना होगा, वन मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, Avogadro number जितने। सो Avogadro number की हमें वैल्यू पता है, Avogadro number A stands for Avogadro and stands for number। So Avogadro number is equal to 6.023 multiplied by 10 power 23 per mole। एक मोल और जितने एक मोल में गिवन सब्सटेंस का में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो कितने Avogadro number जितने। अब बच्चों ध्यान में रखो एक हाइड्रोजन एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 5.23 multiplied by 10 power minus 31 meter cube। तो वन मोल हाइड्रोजन means 6.023 multiplied by 10 power 23 जितने atoms present होंगे, तो वो total कितना volume occupy करेगा? So we can write total volume occupied by total volume occupied by one mole of hydrogen atom, atom ke one mole mein total kitna volume occupy karega, the total volume occupied by one mole of hydrogen atom, so we can write total volume V S is equal to total number of hydrogen atom present in one mole, so Avogadro number multiplied by volume of one atom, okay? One atom का volume कितना होगा? तो 6.023 multiplied by 10 power 23 atoms का volume कितना होगा? उसके multiply के संख्या ना? So Na की value कितनी है हमारे पास? 6.023 multiplied by 10 power 23 multiplied by a volume of single individual hydrogen atom, so we can write 5.233 multiplied by 10 power minus 31 meter cube is equal to, हम इसको multiply करेंगे तो हमें answer मिलेगा 3.152 multiplied by 10 power minus 7 meter cube। तो बच्चों हमें वन मोल हाइड्रोजन एटम का टोटल वॉल्यूम कितना मिला, 3.152 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 मीटर क्यूब। ओके चल फिर से एक बार देख लेते हैं,
The unit of length convenient on the atomic scale is known as 1 angstrom and it is denoted by this symbol. We have information 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? बच्चों हमें हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter और हमें हाइड्रोजन एटम का एटम की साइज दी गई है दैट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्मॉल r is equal to 0.5 angstrom तो उसको हम मीटर में ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन नाउ अब जो हम क्या करेंगे हमें 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम फाइंड करना है तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वन एक एटम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ओके फिर हम क्या करेंगे वन मोल में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो वन मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने एटम प्रेजेंट होंगे सो एवोगैड्रो नंबर को हम वह एक एटम एक हाइड्रोजन एटम जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 3.152 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 मीटर क्यूब ओके आई होप आपको ये मजा आया होगा ओके चलो अब देखो एक्सरसाइज का 2.17 वन मोल ऑफ ए आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों अब कई बार ऐसा भी देखते हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं लिखते तो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं एसटीपी कैपिटल एस कैपिटल टी कैपिटल पी उसका मीनिंग भी क्या होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ओके दैट इज अ मोलर वॉल्यूम हमें जो गैस दिया गया है आइडियल गैस उसका मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर जितना दिया गया है हमारे पास लीटर में वैल्यू दी गई है चलो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें वन मोल ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा ओके चलो टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया गया है हमारे पास H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 angstrom अब अच्छे ध्यान रखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मींस H2 की बात की है तो एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होगा उसकी साइज कितनी होगी 0.5 जितनी ध्यान रखो H2 मॉलिक्यूल की साइज है 1 angstrom H2 दैट इज दो हाइड्रोजन की ओके तो हमें एक हाइड्रोजन एटम की साइज कितनी मिलेगी 1/2 दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम कितनी मिलेगी ओके नाउ व्हाई इज द रेशियो सो लार्ज चलो बच्चों अब ध्यान रखो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम पहला यहाँ पे लिख लेते हैं वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम सो वी कैन राइट मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस दैट इज वी इज इक्वल टू 22.4 लीटर अब जो ध्यान में रखना हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है हमें वो लीटर में है सो हमें लीटर को मीटर क्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा अब बच्चों ध्यान में रखना मैं अभी एक रिलेशन बोलूंगा वो रिलेशन आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे फिजिक्स में ओके चलो देखो अगर हमारे पास 1 meter cube जितना वॉल्यूम होगा हमारे पास एक बॉक्स है उसकी लेंथ 1 meter है उसकी ब्रेथ भी 1 meter है सॉरी उसकी लेंथ 1 meter है उसकी ब्रेथ भी 1 meter है और उसकी हाइट भी 1 meter है तो वो जो बॉक्स है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा इन मीटर क्यूब 1 meter cube होगा 1 meter 1 meter 1 meter सो 1 meter cube जितना होगा अब बच्चों
वन मीटर क्यूब जितने वॉल्यूम में 1000 लीटर जितना वॉल्यूम का वाटर रह सकता है। सो वी कैन राइट कोई भी वन मीटर में कितना रह सकता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर जितना। सो वी कैन राइट 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, और 1000 को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10^3 लीटर। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^3 लीटर। सो 1 लीटर कितना होगा, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब। नहीं पता चला, चलो देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर होगा। सो 1000 लीटर दैट मींस 10^3 लीटर। सो वी कैन राइट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^3 लीटर। सो यहाँ पे हमें 1 लीटर चाहिए, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10^3। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आके कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा, 1/10^3, उसको हम न्यूमेरेटर में लिखेंगे। सो 10^-3 मीटर क्यूब होगा। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब। ओके चलो, तो हमें 1 लीटर और मीटर क्यूब के बीच का रिलेशन पता चल गया। सो वी कैन राइट v = 22.4 लीटर, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 लीटर वी कैन राइट 10^-3 मीटर क्यूब। चलो हमें ये मोलर वॉल्यूम मिल गया, आइडिया गैस का। ओके चलो, अब क्या किया, कहा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन। बच्चों ध्यान में रखो, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है। बच्चों हमने यहां पे फाइंड किया है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास यहां पे बच्चों इंफॉर्मेशन है, सो हम यहां से डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हैं। बट आपको अगर एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं है ना एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए, तो बच्चों आपको ये स्टेप्स फिर से इस न्यूमेरिकल में फॉलो करने पड़ेंगे। सो वी कैन राइट, यहां से हम लिख सकते हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की साइज दी गई है 1x2, सो हम हाइड्रोजन एटम की कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2। सो 1/2 1 एंगस्ट्रो, सो वी कैन राइट 0.5 एंगस्ट्रो। ओके चलो, यहां से हमें मिल गया, तो एंगस्ट्रो को मीटर में ट्रांसफर करेंगे। सो 0.5 × 10^-10 मीटर। चलो बच्चों अब ध्यान में रखना, एक हाइड्रोजन एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 5.233। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां से ले लेंगे, और आप अगर आपको ये कैलकुलेट करना है वहां पे तो भी कर सकते हो। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब स्टेप्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। चलो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, दैट इज रेडियस 4/3 πr³। सो 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 0.5 × 10^-10³ इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 5.23 × 10^-31 मीटर क्यूब। ओके चलो, अब 1 मोल की फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे यहां से 3.152 × 10^ आप
ये लिख सकते हो बराबर, एग्जाम में आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा 3.152 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 मीटर क्यूब। ओके चलो, तो हमें ये वैल्यू मिल गया, इसको हम वी डैश कह देते हैं। वी डैश सो हमें 1 मोल हाइड्रोजन एटम का भी वैल्यू पता चल गया। अब हमें बच्चों रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। सो वी कैन राइट मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल हाइड्रोजन, वन मोल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल। चलो मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वन मोल हाइड्रोजन एटम 3.152 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 मीटर क्यूब। चलो मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो रेशियो हमें कितना मिलेगा, हमें रेशियो मिलेगा कहाँ पे चला गया, 7.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 जितना हमें रेशियो मिलेगा, 7.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4। ओके चलो बच्चों, अब यहाँ पे लास्ट देखो व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज। ये रेशियो हमें मिला वो 10 पावर 4 के ऑर्डर में मिला, मीन्स के रेशियो की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो इतनी लार्ज वैल्यू कैसे मिली और क्यों मिली, तो उसका रीजन है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वॉल्यूम के कंपेयर में अगर हम वन मोल हाइड्रोजन एटम की बात करें और वो गैस फॉर्म में हो, तो गैस फॉर्म में बच्चों होता क्या है, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स इज वेरी मच लार्जर देन द साइज ऑफ दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसकी कंपेयर में दो जो गैस होता है उसमें दो एटम के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर या तो इंटर एटॉमिक जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से यहाँ पे रेशियो में 10 पावर 4 मीन्स लार्ज रेशियो मिला। ओके थैंक यू।